हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे होंगे कि पता नहीं कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि जो कहाँ चली गई हैं। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ ताकि आप लोग मेरी टेंशन ना लें। मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मैं अपने रिश्तेदार के घर आई हूँ। जल्द ही सब मैं पता लगा रही हूँ कि हमारे घर का पानी सूख गया है, तो जल्द ही हम अपने घर लौटेंगे। अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ गाइस, जो कि हर कोई करता है। पता नहीं, देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अभी अपडेट आ रहा है मेरे पास कि पानी निकल गया है, लेकिन बीमारी बहुत फैल रही है। तो ये हमारे रिश्तेदार का घर है, वहीं पे मैं ठहरी हुई हूँ जयपुर में। तो आप लोग दुआ कीजिए कि हमारे घर का पानी निकल जाए और हमारी कॉलोनी में बिजली आ जाए। बिजली आ जाएगी तो फिर थोड़ी रहने में राहत होगी। बिना बिजली और पानी के तो कोई भी नहीं रह सकता, इसलिए सब अपने घरों से दूर है। अपडेट मिल रहा है कि जो घरों में पानी तो निकल गया है, अब देखना पड़ेगा जाके कि किसका किसका घर बैठा है, क्या नुकसान हुआ है और इसके लिए सरकार क्या करेगी। आज मेरा सोमवार का व्रत है। मैं इतने दुख में भी अपने महादेव को नहीं भूली हूँ, भोलेनाथ को। तो मैंने आज सोमवार का दूसरा व्रत रखा है गाइस। अभी भी बहुत सारे लोग को घर से बाहर ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का घर बैठ गया है और बहुत ही नुकसान हुआ है। अभी मैं फ़ोन पे ही पता कर रही हूँ कहाँ क्या नुकसान हुआ है। फिर जब वहाँ जाऊँगी तो फिर मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वहाँ की क्या हालात है। तो मैं अभी ठीक हूँ, तो आप लोग दुआ कीजिए कि और हमारे जो भी कॉलोनी वासी है वो सब अच्छे से रहे और जल्द ही अपने घर को लौटे। और जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे इधर बिजली और आ जाए तो और भी अच्छा होगा, और सरकार एक बार आके देखे कि हमारी कॉलोनी का क्या हालात है और क्या सुधार होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुँचे और सरकार हमारी वसुंधरा कॉलोनी के लिए कुछ करे। तो थैंक यू गाइस, नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।